हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टॉक चरित्र में। तो आज हम मार्केट फोरकास्ट लेकर आए हैं 6 जुलाई 2021 का। तो चलिए चर्चा शुरू करें। तो आज निफ्टी 50 हमारा 0.71% और सेंसेक्स 0.75% बढ़कर बंद हुए। तो जैसे कि हम बात करते हुए आ रहे हैं बहुत टाइम से कि जो हमारे अलग अलग हमने जो चार पुराने जो हमारे लेवल्स हैं उनके ऊपर कि जो पहले हम 14,264 से लेके 14,891 जो हमारा लेवल था उसकी रेंज में थे। फिर उसके बाद जो हमारा ये पुराना एक जो हम लोकल टॉप बना के नीचे आए थे 15,350 के आसपास का, वहाँ हम यहाँ पे जब हमने 3 बाई रेजिस्टेंस लेके ऊपर गए थे तो वापस हम यहाँ गए और यहाँ से हम सीधा ऊपर की तरफ गए और लगभग एक बार ही 15,900 के आसपास कहीं हमने टच किया। और उसके बाद से हम लगभग इस तरीके का एक पैटर्न हमने बनाया था। तो पहले उम्मीद थी कि एक असेंडिंग ट्रायंगल टाइप का पैटर्न बन रहा है, लेकिन अब उसी के आगे एक और पैटर्न की फॉर्मेशन हो रही है। तो उस हिसाब से हम चार्ट पे बात करेंगे कि किस तरीके की आगे फॉर्मेशन हो रही है और एक ओवरऑल ट्रेंड किस तरीके का है, किस तरीके की परफॉर्मेंस हो रही है। जैसे कि हमने कल चैनल पर बताया था कि जो हमारा कॉफ़ी वाली जो थीम है, जो CCL जिसमें फिर हमारा टाटा कॉफ़ी है, ये कंपनीज अच्छा परफॉर्म करने वाली है। और आज हमने देखा दोनों कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया। और टाटा कॉफ़ी की बात तो लगभग हम जो लास्ट ईयर जो फॉर्मेशन हुई थी कोविड के बाद, वहाँ लगभग 63 रुपये का जब हुआ था तब से लेके चर्चा कर रहे हैं। और उसके बाद मल्टीपल लेवल्स पे हमने इसमें बाइंग करवाई और तब से लेके अभी तक लगभग 300% के गेंस इसमें आ गए हैं। और 100 जो इसका एक मतलब लेवल था वहाँ पे आके तो इसमें बहुत अच्छी एक चार्ट फॉर्मेशन हुई थी। और एक बार 125 गया, वहाँ से 100 आया था। और जब ये 100 पे था तब हमने इसको डिस्कस भी किया था कि अब जो 100 पे है काम कर रहा है, इसके बाद शायद ये अब 100 पे ना आए और यहाँ से हम डबल ट्रिपल से भी ऊपर जाने वाले हैं। और वैसे ही हमने देखा कि अब हम लगभग 190 रुपये के आसपास तो कहीं काम कर ही रहे हैं और आगे और भी ऊपर जाने वाले हैं। आज के टॉप 5 गेनर्स की अगर बात करें हम, हिंडेल्को, ONGC, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, टाटा स्टील एंड कोल इंडिया, 5 में से 3 कंपनी हमारी गवर्नमेंट सेक्टर की, ONGC, स्टेट बैंक एंड कोल इंडिया। कोल इंडिया में जैसे कि हम बात करते हैं थोड़ा सा स्लो है, लेकिन अभी 147 पे था, फिर उसका 144 पे गया, फिर 146.7 पे आया और आज फिर बढ़ के लगभग 149 रुपीज़ के आसपास कहीं क्लोज हुआ। तो एक लॉन्ग टर्म की अगर हम बात करें कि आगे कई सालों में क्या होने वाला है, तो ऑब्वियसली एक कि कोयले की जो हमारी खपत है वो कम होती रहेगी। तो कंपनी के जो MD है उन्होंने रेगुलरली इस चीज़ पे फोकस किया है कि जो पैसा डिविडेंड में दिया जाता है, प्रॉफिट जो होते हैं कंपनी के, उसको अब हम पूरा डिविडेंड में ना दे के कुछ पोर्शन जो है उस पैसों का हम सोलर और विंड में लगाएंगे। जैसा सेम अभी रिलायंस ने भी अनाउंस किया कि वो सोलर इक्विपमेंट्स और हाइड्रोजन एनर्जी में लगाने वाला है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की हम ऑलरेडी बात करते हुए आ ही रहे हैं। और एक फाइनेंशियल सेक्टर पे हमारी पिछले कुछ दिनों से एक हम इस पर एनालिसिस कर रहे हैं, एक पूरी स्टडी मटेरियल बना रहे हैं और इस पर आगे आने वाले कुछ दिनों में हम वीडियो भी लेकर आने वाले हैं जिसमें फाइनेंशियल सेक्टर ऑफ इंडिया के बारे में चर्चा करेंगे और अच्छी तरीके से चर्चा करेंगे कि फाइनेंशियल सेक्टर में क्या है और उससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें। मेटल सेक्टर में आज हमने देखा हिंडेल्को और टाटा स्टील में अच्छा काम हुआ, साथ ही हिंदुस्तान कॉपर में भी हमने देखा लगभग 5% की तेजी थी। JSW, ISPL में भी हमने देखा कि लगभग 70 रुपये के आसपास गया था वो, इनका OFS आया ऑफर फॉर सेल, फिर वापस नीचे आया लगभग 38 रुपये के आसपास का। और वहाँ हमने अपने चैनल पर बताया था कि जो 38 रुपये का लेवल है ये OFS के बाद आएगा और यहाँ पे कहीं ना कहीं लेवल बनते हैं। अब वहाँ से एक रिकवरी आई है ऊपर 43 के आसपास ये पहुँच गए, तो अभी तो एक रेंज में रहने वाला है, लेकिन JSW, ISPL आगे एक अच्छा जो स्टील सेक्टर की कंपनी है वो होगी। आज के टॉप 5 लूजर्स की हम बात करें तो HDFC लाइफ, टेक महिंद्रा, डॉक्टर रेड्डीज लैब, BPCL एंड ब्रिटानिया। तो अगेन हमें FMCG की एक आध कंपनी तो टॉप 5 लूजर्स में दिखाई दे ही जाती है क्योंकि FMCG में कोई खास प्लेइंग हो नहीं रही है। डॉक्टर रेड्डीज लैब पिछले कुछ दिनों से ऐसे ही काम कर रहा है, एक बार टॉप के आसपास गया, फिर गया,
अब थोड़ा सा काट के ऊपर आया था, अब दोबारा टेस्ट कर रहा है। अब जब इस टेस्टिंग को करके जाएगा ऊपर तो बहुत तेज़ी से बहुत ज़्यादा ऊपर जा सकता है। टेक महिंद्रा भी लगभग पिछले आप मान के चलिए 5 महीने से कोई खास परफॉर्म नहीं कर रहा है, और बल्कि टेक महिंद्रा के साथ हम और भी IT कंपनीज की बात करें तो जो उन्होंने टॉप 6 महीने पहले एक लगाया था, जो दिसंबर जनवरी में जो इन्होंने लगाया था, अब उस लेवल के आसपास नहीं पहुँचे, तो एक रेजिस्टेंस ले रहे, लेकिन उसके बाद अच्छे काम होने के आसार हमें IT सेक्टर में दिखाई दे रहे हैं। जेन टेक्नोलॉजीज हमने थोड़े दिन पहले अपने चैनल पर भी बताया था और वीडियो में बताया था जब लगभग 73 रुपये के आसपास था, और बताया था कि बेस्ट लेवल हो सकता है बाइंग के लिए, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर चर्चा करें। आज लगभग 103 रुपये के आसपास ये स्टॉक कहीं काम कर रहा था, लगभग 30 रुपये बढ़ गया है, तो एक महीना भी नहीं हुआ है और लगभग आप मान के चलिए 40% के रिटर्न ये जेन टेक्नोलॉजीज अभी तक दे चुका है। आज के चार्ट की हम बात करें तो जो हमारा निफ्टी है, हम जो डेली का चार्ट लेकर आते हैं, उसमें आप देख सकते हैं कि ये जो हम बात कर रहे थे कि ये वाली जो एक चार कैंडल बनी है और उसके बाद ये वाला एक ग्रीन जो कैंडल बने, छोटा सा हैमर टाइप की फॉर्मेशन है कि हम कहीं ऊपर जाएंगे, लेकिन जो ट्रेंड है वो बहुत छोटा ट्रेंड है, और हम जो ऊपर जाने की जो बात हुई थी वो भी बात यही हुई थी कि हम ऊपर जाएंगे तो, लेकिन बहुत ज़्यादा ऊपर तक शायद ना जा पाए। तो अभी तो हमने गैप अप ओपनिंग करी है तो एक गैप क्रिएट कर दिया है, तो ऑब्वियसली इस गैप को भरेंगे भी हम, क्योंकि बड़े जो टाइम फ्रेम है, जो डेली और वीकली के जो टाइम फ्रेम पे गैप बनते हैं वो जनरली फिल हो जाते हैं। स्टॉक्स के अंदर अलग तरीके से काम होता है और हमारा जो निफ्टी है उसमें अलग तरीके से होता है। कई बार जो स्टॉक होता है अगर उसके अंदर लाइफ टाइम वॉल्यूम के साथ एक गैप अप ओपनिंग खुले तो वो वाले गैप भरना मुश्किल होता है, वो शायद गैप जिंदगी भर तक नहीं भरते। निफ्टी के 1 घंटे के चार्ट की अगर हम बात करें तो निफ्टी में हम जो बात कर रहे थे एक असेंडिंग ट्राइंगल टाइप की फॉर्मेशन जो हमारी हो रही है, और उसके बाद ये जो लेवल है इसको काटना नहीं था निफ्टी को नीचे, ये यहाँ तक भी ठीक था, ये यहाँ से अगर ऊपर जाता तो हम एक असेंडिंग ट्राइंगल की फॉर्मेशन में ही रहते, लेकिन ये जो नीचे आया तो ये वाला जो लेवल कट गया, इसकी वजह से ये वाला पैटर्न जो है फेल हो गया, और अब हम एक और आगे फर्दर एक और नए जो पैटर्न है उसके अंदर कहीं चले गए हैं। तो उसमें एक्सपेक्टेड है कि अभी हम हो सकता है ये एक यू हो या हम इस तरीके की फॉर्मेशन बनाए zigzag, तो हमारा ये वेव 1 और 2 बन गई है, 3, 4 और 5 पेंडिंग है, उसके बाद हम ऊपर की तरफ जा सकते हैं, तो वो आगे आने वाले टाइम पे हमें पता लगेगा। लेकिन जैसे कि हम केस जो हमारे दो हैं उनके ऊपर जो हम बात करते हुए आ रहे हैं कि पहले केस के अंदर हम 15,400 के आसपास तक जा सकते हैं और बहुत धीरे धीरे जाएंगे, स्लो मूवमेंट होगी। दूसरा हमारा 14,900 के आसपास हम जाएंगे और ये फास्ट मूवमेंट होगी। तो अभी तो हम लगभग 15,800 के आसपास वापस आ गए, तो देखते हैं आगे क्या होता है। और जिस तरीके की ये फॉर्मेशन थी ट्रायंगल वाली, कि एक एक्सपेक्टेड था कि शायद हो सकता है कि ख़त्म हो गई हो, लेकिन अभी जो एक टाइम पीरियड है वो कहीं ना कहीं बचा हुआ है। आज हम आपके लिए दो कंपनी लेकर आए हैं, उसमें से पहली कंपनी हमारी प्राज इंडस्ट्रीज़ है। इस कंपनी को हम बहुत टाइम से जो है अपने चैनल पे ट्रैक कर रहे हैं, और पहले भी हम कई बार इसमें रेगुलरली बताते आए हैं कि किस तरीके की फॉर्मेशन हो रही है, कैसा काम है, तो आज हम इस पे वीडियो लेकर आए क्योंकि इसमें भी हमारा जो एक नई एवरेज करने का एक पॉइंट बना है, तो इसलिए हम इस पे चर्चा के लिए आए हैं। अगर हम कंपनी के बिजनेस सेक्शन की बात करें तो कंपनी के अल्कोहल प्लांट्स हैं, फ्यूल इथेनॉल प्लांट्स हैं, वाटर वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स है, बायोडीजल प्लांट्स है और ब्रीवरी प्लांट्स है। तो कंपनी के जो 5 तरीके के मेन काम है, 5ों ही बहुत बढ़िया है क्योंकि इस सेगमेंट में बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, और ये वेस्ट मैनेजमेंट की जो कंपनीज हैं इनमें बहुत अच्छा आगे आने वाले टाइम में काम होगा। साथ में एल्कोहल की कंजम्पशन इंडिया में वर्ल्ड की 48% है। अगर हम विस्की की बात करें तो 48% पूरी दुनिया में मैन्युफैक्चर होने वाली विस्की या पी जाने वाली विस्की का 48% इंडियंस पीते हैं। साथ में टॉप 10 ब्रांड्स में 7 ब्रांड्स जो हैं वो इंडियन ब्रांड्स हैं। तो आप सोच के देखिए कि किस मतलब लेवल की खपत है इंडिया में। सेकंड बात, जो फ्यूल इथेनॉल प्लांट्स की बात है, अभी जो गवर्नमेंट का जो इम्पोर्ट है वो 85% हमें फ्यूल का इम्पोर्ट करना पड़ता है, तो उसको कम करने के लिए गवर्नमेंट ने कहा है कि 2025 तक हम इथेनॉल ब्लेंडिंग 25% तक कर देंगे। तो आप सोच के देखिए इस 85% का
लगभग लगभग 25% हम कम करना चाहते हैं, तो लगभग 21% के आसपास, तो ये घट के 64% हो जाएगा। ये 85% से कम होकर जब ये 64% हो जाएगी, लगभग जो 21% हम कम करेंगे, इससे फ़ायदा ये होगा कि जो हमारे पास फ़ौरन रिजर्व्स हैं करेंसी के, वो बढ़ जाएंगे, और फ़ौरन रिजर्व्स बढ़ने की वजह से ये होगा कि हमारी जो इकोनॉमी है वो और स्ट्रॉन्ग होती रहेगी। सेकेंड चीज़ क्या है कि जो डॉलर हमें यूज़ करने पड़ते हैं पेमेंट करने के लिए, जो भी हमारा एक जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होता है दूसरी कंट्री के साथ, उसमें डॉलर जो यूज़ होता है उसका यूज़ भी कम होने वाला है, क्योंकि हमने अभी रिसेंटली 4 कंट्रीज़ के साथ डील करी है कि हम उनके साथ जो भी ट्रेड करेंगे वो रुपी में करेंगे, तो एक जो डॉलर के ऊपर डिपेंडेंस है वो कहीं ना कहीं कम करी जा रही है। अगर हम पराज इंडस्ट्रीज के चार्ट की बात करें तो लगभग अभी आज 372.90 रुपये के आसपास की क्लोजिंग हुई है, और ये कंपनी लगभग 115 रुपये पे हमने अपने चैनल पे डाली थी, और इससे पहले भी जो हमारा एक सबसे पहला चैनल था उसके ऊपर हमने चर्चा करी थी, बाद में हमने वो चैनल का नाम चेंज करके फिर उसके अंदर दोबारा से स्टॉक्स डाले थे, तो जब हमने दोबारा डाले तो लगभग 115 रुपये के आसपास कहीं शेयर किया था। अगर हम इस लेवल से देखें तो लगभग 372 रुपये, मोटा मोटा 250% के रिटर्न्स ये अभी तक दे चुका है पिछले 5 महीने में। अभी हम देखें तो एक चार्ट फॉर्मेशन हो गई है हमारी, तो ये हमारा ओ था, ये ए है, ये बी है, सी है, डी हमारा बन गया है, ई पेंडिंग है, एक्सपेक्टेड है कि थोड़ा सा हम नीचे आएंगे यहाँ पे 360-355 के आसपास, और उसके बाद एक जो हम रैली है हमारी उसको पकड़ लेंगे। अगर हम टाइम वाइज और प्राइस वाइज बात करें तो लगभग टाइम और प्राइस दोनों हमारा कंप्लीट हो चुका है, और आगे आने वाले जो हमें एक्सपेक्टेड है कि आज हमारी 5 तारीख है, तो जो हमारा 10 तारीख से लेके 15 तारीख वाला हफ्ता होगा इसमें हमें इसमें ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। अगर हम लेवल की बात करें कि आगे क्या लेवल आ सकते हैं, तो इस चार्ट पे हमने 3 लाइन लगाई है, नीचे की तरफ 340, ऊपर 404 और फिर 447। अभी हमारा 372 का लेवल है, और नीचे की तरफ हम बात करें तो 340 लगभग नीचे 32 रुपये, और ऊपर की तरफ हम बात करें ऊपर भी हमारा लगभग 32 रुपये के आसपास का लेवल है, तो 1:1 का रिस्क रिवॉर्ड हो जाता है जो हमारा सबसे पहला लेवल है। सेकंड लेवल की बात करें तो वो हमारा लगभग 75 रुपीज़ के आसपास का है, और नीचे हमारा 32, तो लगभग मोटा मोटा 1:2.4 का हमारा रिस्क रिवॉर्ड हो जाता है। अगर हम टाइम पीरियड की बात करें कि कितने टाइम पीरियड में हमारे ये रिटर्न्स आ सकते हैं, तो सबसे पहले परसेंटेज की बात करते हैं, 75% लगभग 20% के हमारे रिटर्न हो गए, तो जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 10 से 15 वाले हफ्ते में जो ब्रेकआउट आएगा, इसके बाद लगभग इस ब्रेकआउट आने के बाद लगभग 25 दिन में हमारा ये वाले लेवल आ जाएंगे, और हम आगे आने वाले लगभग आप मान के चलिए 30 से 35 दिन के अंदर 20% का इसमें काम कर सकते हैं। आज की सेकेंड कंपनी की हम बात करें तो सेंचुरी प्लाईवुड, इसकी एक पीयर कंपनी ग्रीन प्लाई की हमने बात करी थी, और जिस दिन हमने वीडियो में बात करी उसके नेक्स्ट डे वो ऊपर ओपन हुई थी, तो लगभग जो एक जो हमारी लकड़ी की कंपनी थी उसके अंदर अच्छा काम हो रहा है, और इस कंपनी की हम बात करें तो आज की डेट में 400 रुपये के आसपास ये कंपनी हमारी काम कर रही है, और इस कंपनी और जो इसका जो पीयर हमने जिसकी बात करी है, इन कंपनी दोनों कंपनीज को हमने लास्ट ईयर से हम ट्रैक कर रहे हैं, और लगभग जब ये दिवाली का टाइम था हमारा तब से हम दोनों कंपनीज को ट्रैक कर रहे हैं, और दिवाली पे भी मुहूर्त ट्रेडिंग सेशन पे हमने ग्रीन प्लाई जो है ग्रीन प्लाई को बाय करवाया था, और साथ में हिंदुस्तान कॉपर को भी बाय करवाने से मतलब एक हम जो एनालिसिस एजुकेशन की वो दी थी, बाकी फाइनल डिसीजन तो आपको और आपके फाइनेंशियल एडवाइज़र का ही होता है, हमारी किसी तरीके की बाइंग की रिकमेंडेशन नहीं होती, लेकिन जो एनालिसिस है वो उस साइड पे थी। साथ में हम इसकी बात करें सेंचुरी प्लाई दिवाली के आसपास लगभग मोटा मोटा 150 रुपये के आसपास था, अभी 400 हमारा 9 रुपये के आसपास का चल रहा है, तो अगर हम देखें तो लगभग 167% के रिटर्न्स ये सेंचुरी प्लाई अभी तक दे चुका है। अगर हम सेंचुरी प्लाई के चार्ट की बात करें तो लगभग हम मार्च के बाद जब ऊपर गए फिर मई में जाके हमने एक टॉप बनाया लोकल टॉप, और उसके बाद से हम एक रेंज में काम कर रहे हैं। अगर हम यहाँ पे लाइंस की बात करें तो हमने 3 लाइन लगाई, नीचे की तरफ 394,
479,533। अभी स्टॉक चल रहा है लगभग 410 रुपये के आसपास। नीचे की बात करें तो 16 रुपये की, और ऊपर अगर हम बात करें तो लगभग 69 रुपीज़ के आसपास हमारा है। तो अगर हम रिस्क रिवॉर्ड निकालें तो 1:4.3 के आसपास का हमारा रिस्क रिवॉर्ड हो जाता है। अगर हम सेकंड लेवल की बात करें तो जो कि यहाँ से लगभग 123 रुपये ऊपर है और नीचे 16, तो लगभग मोटा मोटा जो हमारा ये वैल्यू हुई 1:7.5 के आसपास का हमारा रिस्क रिवॉर्ड हो गया। तो अगर हमें 1:7.5 के रिस्क रिवॉर्ड में काम करना है, और परसेंटेज की बात करें तो लगभग मोटा मोटा 30% ऊपर है हमारा। तो इसमें क्या है, नीचे की जो हमारी रेंज है वो थोड़ी छोटी है, और एक्सपेक्टेड है कि इसमें जल्दी ब्रेकआउट आने वाला है। हो सकता है इसी वीक में हमारा ब्रेकआउट आ जाए 10 तारीख तक, और इसके बाद जब यहाँ से ऊपर जाएंगे तो आगे आने वाले 40-45 डेज के अंदर 533 के लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं सेंचुरी प्लाई में। अगर किसी तरीके का चेंज इसमें होगा तो हम अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर देते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में है, और लास्ट वाली स्लाइड के ऊपर भी QR कोड होता है जिसको स्कैन करके आप डायरेक्टली हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर देते हैं। वहाँ पे हम रेगुलरली अपडेट्स डालते रहते हैं कि कौन से स्टॉक में क्या होने वाला है, और वो सारी जो रिकमेंडेशन है वो सब एजुकेशनल पर्सपेक्टिव से होती है। फाइनल डिसीजन आपका और आपके फाइनेंशियल एडवाइज़र का ही होगा। आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए, जिससे कि आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।